वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जल मंत्री आतिशी की जल सत्याग्रह के दौरान तबियत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में संवाददाता शुभ सेठ ने भाजपा के पक्ष रखते हुए भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बातचीत की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के रिहाई पे हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर रोक लगा दी गई, इसको किस तरह से देखते हैं? हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली की शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से सूत्रधार है और दिल्ली की शराब नीति घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। क्या लगता है सर, अगर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या कुछ रहने वाला है? हर अपराधी को अवसर मिलता है अपनी बात कहने का, अगर वो लोग भी जाना चाहते हैं तो जाएं, माने सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसको सबको स्वीकार करना ही होगा। सर, जिस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या है उसको लेकर आतिशी जो प्रदर्शन सत्याग्रह कर रही थी, अब उनकी स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ चुका है, इसको देखते हुए सत्याग्रह था ही नहीं, वो एक राजनीतिक नौटंकी थी। एयर कंडीशन में कोई अनशन नहीं चलता है, उस नौटंकी का पटाक्षेप हो गया, वो बचने का कोई रास्ता निकल रही थी तो उस बहाने वो निकली है। दिल्ली में पानी का क्राइसिस आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। इसने देखे तो जल मंत्री लगातार आरोप लगा रही थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जो पानी छोड़े। इस बात को हम लगातार साक्ष्यों के साथ स्थापित कर चुके हैं कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, सरप्लस पानी दे रहा है, उसके बावजूद भी अगर दिल्ली के लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण। ये तमाम साहब बात करें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनका साफ तौर पे कहना था जिस तरह से दिल्ली में पानी की समस्या है आम आदमी पार्टी लगातार जो है झूठे आरोप लगा रही है। एमके न्यूज़ के लिए दिल्ली से सुप्रीम।